बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आपको लास्ट वाला लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक सेम चैप्टर में से जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज हेमरेज। हेमरेज क्या होता है आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इट्स द बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है जी। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग जिसके अंदर यूजुअली ब्लड लॉस होता है टू द एक्सटेंट के कभी कभी इट बिकम्स अ वेरी फेटल कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसके अंदर जो है वो जान बचने के चांसेस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर रह जाते हैं, ठीक है जी। दीज आर सर्टन टाइप ऑफ ब्लीडिंग जो कि हम देख सकते हैं। ये आपकी जो वो है, क्या कहते हैं, कॉर्निया है, उसके पीछे सब कॉर्नियल हेमरेज है। बेसिकली दिस इज द मेजर वेसल कट है जिसके नतीजे में ये हेमरेज दिखाई दे रहा है और अच्छा खासी ब्लीडिंग हुई है। दिस इज द काइंड ऑफ ब्लीडिंग दैट टेक्स प्लेस इन द इंटरनल ऑर्गन्स। छोटे छोटे पैचेस ब्लीडिंग के स्पॉट्स बन जाते हैं, वो किस तरह बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा फिर ये है ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग हो जाती है, यूजुअली बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जिसमें इंट्राक्रेनियल हीमाटोमा, सब्यूरल हीमाटोमा और इस तरह के डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं, वो सब एरेकनॉइड हीमाटोमा, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो कि मेजर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन लाइक एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल कंटेनिंग इट, या लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इट्स वेसल्स, या एक्स्ट्रावाइजेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेसल्स। बेसिकली सबका एक ही मतलब है, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हीमोस्टेसिस का जो मैकेनिज्म है वो ऑल्टर हो गया है, और ब्लड वेसल सीवर हो गई है यानी कट हो गई है, और उस कट होने के नतीजे में ब्लड का लॉस हो रहा है। That kind of the condition is known as bleeding या hemorrhage, ठीक है जी। If we classify hemorrhage तो different type of conditions में आप different classifications करते हैं according to the nature of the vessel, यानी कौन सी vessel है जिसके कटने की वजह से bleeding हो रही है या hemorrhage हुआ है, उसकी base पर हम bleeding को classify करते हैं या hemorrhage को classify करते हैं into arterial, वीनस एंड कैपिलरी। नाम से आपको जाहिर हो गया होगा कि आर्टीरियल से मुराद क्या है कि जो ब्लड वेसल कटी है, जो हेमरेज करवा रही है, बेसिकली दैट इज योर आर्टीरियल ब्लड वेसल। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जो नेचर ऑफ ब्लड वेसल है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे क्वालिटी भी डिफरेंट हो जाती है। लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टेरियल हेमरेज, तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आर्टरीज में जो प्रेशर आ रहा होता है वो हार्ट की तरफ से आ रहा होता है, और चूंकि हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है उस टाइम पे, तो आर्टरीज का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो एक जैसे नहीं बिल्कुल फवारे की तरह से वो ब्लड निकल रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का होता है वो फवारा के जो, अगर फवारा बना भी है तो वो ब्राइट रेड कलर का होता है। उसके अलावा फिर ये होता है कि उसको अगर आप प्रेशर अप्लाई करके ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द आर्टेरियल ब्लड लॉस, ठीक है। तो ये एक वजह है, क्योंकि अगेन वो प्रेशर का मसला है, तो जो प्लेटलेट्स हैं उनका जो प्लेटलेट प्लग बनना उसमें बहुत टाइम लग रहा होता है एज कम्पेयर टू अदर ब्लीडिंग या ब्लड लॉस कंडीशंस। इसी तरह जब वेनस ब्लड की बात करते हैं तो वेनस ब्लड के अंदर जो है थोड़ा सा डार्क कलर होता है, क्योंकि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो स्पर्टिंग करके या जैसे फवारे की तरह ब्लड नहीं निकल के आ रहा होता है, आता है, तेज ब्लीडिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द इंजरी, जो कितनी गहरी वेसल काटी गई है उसके हिसाब से, लेकिन ब्लड जो है वो फवारे की तरह नहीं निकलता, वो साइड पे बहता रहता है और अच्छा खासा होता है, प्रेशर उसके अंदर नहीं होता है, एयर बबल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अच्छा, और उसके अलावा ये होता है कि उसको प्रेशर अप्लाई करें तो ब्लीडिंग स्टॉप होने के चांसेस कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि वेन कितनी बड़ी है। अगर तो लार्ज वेन्स होती हैं, अगेन उनके अंदर चूंकि ब्लड का अमाउंट ज्यादा होता है तो उनको काफी देर तक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है ताकि जो है उनकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सके।
सबसे आसान कैपिलरी ब्लड लॉस होता है, बिल्कुल जरा सा माइनर सी ब्लीडिंग होती है और उसके बाद जो है वो प्रेशर अप्लाई करते ही फौरन ब्लीडिंग रुक भी जाती है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग्स ऑफ द हेमरेज, प्राइमरी रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी हेमरेज होता है। प्राइमरी हेमरेज वो होता है कि जिस टाइम पे कटिंग हुई है बेसिकली, तो उस टाइम पे जो है वो प्राइमरी हेमरेज होता है। लाइक सर्जरी हो रही है किसी जगह पे, उसको काटा गया है, आपने प्रॉपर तरीके से प्लान करके काटा है, तो उस तरह की जो जो ब्लीडिंग होती है उसको या हेमरेज होता है उसको प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। रिएक्शनरी जो हेमरेज होता है वो बेसिकली ये होता है कि आपने सर्जरी कर दी, जख्म को बंद कर दिया और उसके कुछ अरसे के बाद यानी 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है जिसके नतीजे में जो है वो ब्लीडिंग हो जाए, दैट काइंड ऑफ ब्लीडिंग इज नोन एज रिएक्शनरी ब्लीडिंग। और अगर तो 2-3-4-5 दिन के बाद जो पुराना जख्म हो गया उसमें किसी गलती की वजह से कोई प्रेशर लग गया या किसी किस्म की बेहतियाती हो गई, कोई ब्लो लग गया, किसी ने मारा, कुछ हुआ, जख्म पहले से मौजूद था उसके ऊपर कोई किसी सेकेंडरी टू समथिंग यानी कोई फॉल हुआ उसके सेकेंडरी ब्लीडिंग हो गई या किसी भी चीज कोई और चीज हुई जिसके नतीजे में ब्लीडिंग हो गई, तो दैट काइंड ऑफ हेमरेज इज नोन एज सेकेंडरी हेमरेज। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ हेमरेज, अगर जो है वो फॉरन हुआ, कोई रीजन था, बेसिक रीजन था, फॉरन हुआ, फॉरन खत्म हो गया ब्लीडिंग होने के बाद, तो वो अक्यूट हेमरेज कहलाएगा। लेकिन अगर ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ब्लड लॉस हो रहा है तो वो यूजुअली जो है वो क्रॉनिक हेमरेज की कैटेगरी में जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ब्लीडिंग, दो तरह की ब्लीडिंग्स हो सकती हैं। एक्सटर्नल रिवील्ड ब्लीडिंग यानी आपको मालूम है कि यहाँ पे ब्लीडिंग हुई है, कोई कट लग गया, कोई गनशॉट हो गई, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और नेट रिजल्ट क्या निकला कि स्किन फट गई और अंदर से ब्लड जो है वो ऊज करके बाहर आना शुरू हो गया, तो अब आपको मालूम है, आपको पता है कि यही जगह है जहाँ पर डैमेज हुई है, इसी को ट्रीट करेंगे तो ब्लीडिंग रुक भी जाएगी और जो है वो आसानी से आप उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है जब इंटरनल कंसील्ड ब्लीडिंग होती है, आपको मालूम नहीं होता कि कहाँ हो रही होती है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लीडिंग्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसील्ड ब्लीडिंग्स। तो जो ब्लड की जो पोजीशन होती है, अगर तो बॉडी टिश्यूज के अंदर हो रही है तो दो तरह की हो सकती है कि इंटरनल ब्लीडिंग दो तरह की हो सकती है, या तो बॉडी टिश्यूज के दरमियान में ब्लड के पडल्स बन जाते हैं, ठीक है जी, दोज पडल्स आर नोन एज हीमाटोमास। अभी अगर आपको मैं पिछली पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, दिस इज हीमाटोमा, ठीक है, बॉडी टिश्यूज के दरमियान में हुआ है, ठीक है, दिस इज अगेन एक और ठहरे एक मिनट। अच्छा, ये देखें, ये भी बॉडी टिश्यूज के अंदर ही डिफरेंट जगहों पे ब्लड जो है वो हो रहा है, डिपॉजिट हुआ हुआ है डिफरेंट जगहों पे, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो द इंटरनल कंसील्ड ब्लीडिंग। और उसके अलावा ये देखें जो हीमाटोमा की बात हो रही थी, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द टिश्यूज, ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली इज नोन एज द हीमाटोमा। हीमाटोमा कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, पेटिकिया, पुरपुरा, एक्टाइमोसिस, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ब्लीडिंग स्पॉट्स। पेटिकिया के लिए जो है बेसिकली ये देखें जी, पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स जो हैं स्किन के ऊपर कहीं पे भी बने हुए हो तो अच्छा, जरूरी नहीं है स्किन, अंडरनीथ द एपिथेलियल टिश्यू भी हो सकते हैं, यानी इंटरनल ऑर्गन्स की अगर जो जो म्यूकोजा है उसके अंदर भी इस तरह के आपको ब्लीडिंग स्पॉट्स मिल सकते हैं। तो दिस इज पेटिकिया। 1-2 centimeters के बड़े बड़े ब्लीडिंग स्पॉट्स होते हैं तो ये परप्यूरा कहलाते हैं, ठीक है, और अगर बड़े मतलब 5 millimeter से बड़े अगर स्पॉट्स हैं और ग्रॉसली विजिबल ब्लड स्पॉट्स हैं तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, एकाइमोसिस कहते हैं। यूजुअली अगर आपको पता हो कि आमतौर पे हम इसको नील भी कहते हैं कि कभी चोट लगी थी स्किन के नीचे नील बन गया था, तो दिस इज दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है ब्लड इन द बॉडी कैविटीज। तो ब्लड इन द बॉडी कैविटीज, जैसे हमने एडिमा के हवाले से पढ़ा था कि जिस तरह से हाइड्रोपेरिटोनियम की बात की हमने, उसी तरह से हमने हाइड्रो पेरिकार्डियम की बात की, हाइड्रोथोरिक्स की बात की, बिल्कुल इसी तरह से अगर पानी की जगह इन बॉडी कैविटीज के अंदर ब्लड भर जाए तो आप यहाँ पे हीमो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ब्लड किसी भी रीजन की वजह से और खसूसियत से जो चाकू घुसा दिया जाता है दिल के अंदर या
गनशॉट किया जाता है दिल के अंदर, तो उसमें यूजुअली क्या होता है कि जो आपकी जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है वो ब्लड से भर जाती है, एंड दैट इज नोन एज हीमोपेरिकार्डियम। इसी तरह से अगर आपके जो पेरिप्लूरल कैविटी के अंदर अगर भर जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लड भर जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर, तो जैसे हम उसको हाइड्रोथोरेक्स बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको हीमोथोरेक्स बोलते हैं। फिर इसी तरह से जिस तरह से हमने पेरिटोनियल कैविटी में अगर पानी भर जाता है तो हमने उसको हाइड्रोपेरिटोनियम भी कहा था इन एडिशन टू एसाइटिस, तो इसी तरह से यहाँ पे हम बोलेंगे हीमोपेरिटोनियम। ठीक है, तो ये तमाम जो ब्लीडिंग हो रही होती है जो बॉडी कैविटीज में होती है, फिर आप उनके ये नाम रख सकते हैं। These are also concealed bleedings, और ये कभी कभी जो है बहुत सिवियर नोयत की जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं, अगर कोई नॉलेजेबल बंदा ना हो जो उन चीजों को देख रहा हो, तो फिर नुकसान के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंटरवेंशन, जो ब्लीडिंग हो रही है सर्जिकल ब्लीडिंग है या नॉन सर्जिकल ब्लीडिंग है। सर्जिकल ब्लीडिंग यूजुअली इस तरह से होती है कि इट्स अंडर कंट्रोल, बिकॉज आपने सर्जरी की है और आप सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग करा रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि आप कोशिश ये कर रहे होते हैं कि मिनिमम ब्लड लॉस के साथ सर्जरी हो। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास कोगुलेशंस वगैरह के प्रोसेसेस होते हैं, हम इवन जो ब्लड ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम कोगुलेट कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो। अब मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि उसके लिए ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसके लिए हम पहले से, अगर फॉर एग्जांपल हमें पता है कि फलानी सर्जरी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए आपके पास पहले से ब्लड प्रिपेयर्ड होता है कि आप जो है ड्यूरिंग द सर्जरी ही जो है ट्रांसफ्यूजन भी कर रहे होते हैं पेशेंट का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के जो किसी भी किस्म की जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन या फेटल कंडीशन में जाने के अल्लाह की मर्जी ना हो, यूजुअली इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन सर्जिकल ब्लीडिंग की बात करते हैं तो वो आप देखें बहुत सारी हो सकती हैं। किसी ने चाकू घोंप दिया, ब्लीडिंग हो गई, हॉस्पिटल सही पॉइंट टाइम पे नहीं पहुंचाया, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, बंदा दुनिया से गुजर जाएगा। फिर इसी तरह से किसी ने गोली मार दी है, ब्लीडिंग हो गई है, अब ऑब्वियसली प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो बंदा क्योंकि गोली मारी ही मारने के लिए जा रही होती है तो वो दुनिया से चला जाएगा। फिर इसी तरह किसी ने अपनी नस काट दी है, ब्लीडिंग हो रही है, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन इन दीज कम इन द वैरायटी ऑफ अ नॉन सर्जिकल ब्लीडिंग। इसके अलावा अगर इंटरनल किसी भी बीमारी के सेकेंडरी किसी किस्म की ब्लीडिंग हो रही है वो भी नॉन सर्जिकल ब्लीडिंग की कैटेगरी में जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से ब्लीडिंग को या हेमरेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल टुगेदर हमने ये तमाम चीजें कर ली है, ये पिक्चर्स आपको दिखा दी थी मैंने। यहाँ पे एक पिक्चर जो है, अब ये देखिए, दिस इज व्हाट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड प्रेजेंट इन दी बॉडी कैविटीज। ठीक है जी, ये जो है ये पेरिटोनियल कैविटी है और पेल्विक कैविटी है, इसके अंदर कोई इंटरनल कोई ट्यूमर है जिसको बर्स्ट हो जाने के नतीजे में इस तरह से जो है ये ब्लीडिंग हुई है, तो इस तरह की कंडीशंस भी हमें मिल जाती हैं। और फिर इसमें ये होता है कि ब्लड को सक्शन करना होता है, जो ब्लीडिंग एरिया है जो वेसल कट गई है उसको बंद करना, उसको देखना कि कितनी बड़ी कटी है और क्या 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 पॉसिबिलिटीज हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन की तरफ पेशेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये डिपेंड कर रहा होता है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ब्लीडिंग होती है उसके नतीजे में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया जो है वो इट लीड्स टू हाइपोपरफ्यूजन, यानी जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो ऑर्गन्स को जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो भी कम हो जाएगी, तो दैट इज नोन एज हाइपोपरफ्यूजन। दैट मीन्स इट विल बी अल्टीमेटली लीडिंग टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया आपको मालूम है लैक्टिक एसिडोसिस कराता है, हम सेल इंजरी जो हाइपोक्सिक सेल इंजरी थी उसमें हम करके बैठे हैं, लैक्टिक एसिडोसिस और साथ में सेल्यूलर एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। अच्छा जी, इसके बाद फिर क्या होता है, इसकी वजह से प्रोटीएसिस प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, कोगुलोपैथी होनी शुरू हो जाती है, इस्कीमिक सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, एंटीकोगुलेशन पाथवेज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ब्लड सप्लाई टू गट एंड मसल्स डिक्रीजेस, दी ऑल ये क्या करें अर्ली कॉम्पनसेटरी प्रोसेसेस हैं कि जो जीआईटी को और मसल्स को जो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह क्या है, ताकि सर्कुलेशन में ज्यादा ब्लड रह सके और जो वो ब्लड लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके, उसके लिए ये अर्ली कॉम्पनसेटरी मैकेनिजम्स होते हैं। अगर अंडर परफ्यूज मसल्स होते हैं तो वो हीट नहीं जनरेट कर सकते, पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो जाता है,
हम आमतौर पे जब मसल्स को मूव कर रहे होते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, एनर्जी से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। आपने नोट किया होगा सर्दियों में आपको कहा जाता है कि ज्यादा मोबाइल रहें, जितने ज्यादा मोबाइल रहेंगे उतना आपकी ब्लड फ्लो बढ़ेगी और उतना ही आपका ब्लड फ्लो बढ़ने के नतीजे में हीट प्रोडक्शन होगी और आप गर्म रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक जगह बैठे हैं तो ऐसा ऐसा करके पैरों से आपकी जो ठंडक है वो आगे अंदर की तरफ बढ़नी शुरू होती है और आपके इंटरनल ऑर्गन जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। उस चीज से बचाना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है जी, तो टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो पुअर हो जाती है, उसके नतीजे में जो है वो हेमरेज गैस्ट्रो मतलब हेमरेज हो सकता है इन द जीआईटी, हेमरेजिक गैस्ट्रो एंट्राइटिस कहलाता है, हाइपोपरफ्यूजन हो सकती है, ऑर्गन्स की एसिडोसिस एक जगह नहीं रहता है वो पूरी बॉडी के अंदर जनरलाइज एसिडोसिस हो सकता है। ये तकरीबन समझ लें कि ये ऑल टुगेदर ये शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा रहा है एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि जी ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया और पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो इस तरह से कि पेशेंट को प्यास बहुत लगेगी, बहुत पेल हो जाएगा, साइनोस्ट हो जाएगी, इसके नाक के ऊपर होंठ जो है वो बिल्कुल नीले पड़ने शुरू हो जाएंगे, हार्ट की बीट बढ़ जाएगी और सांस तेज होनी शुरू हो जाएगी। ये भी अगेन एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है कि बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो ब्रेन जो है वो कॉम्पनसेटरी टैकेपनिया करता है, यानी रेस्पिरेशन मतलब बहुत स्पीडी हो जाती है ताकि किसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचाई जा सके। ठीक है जी, स्किन जो है वो बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी, स्वेटी हो जाएगी और फेस ड्राई हो जाएगा, मुंह भी ड्राई हो जाएगा, गूज स्किन अपीयरेंस आ जाएगी क्योंकि अरेक्टर पाइलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। रैपिड थ्रेडी पल्स हो जाती है, बहुत ही मतलब इस तरह से लग रहा होता है कि अगर आप पल्स के ऊपर हाथ रखें तो आपको लगता है कि बिल्कुल एक पतली सी कोई धागा जो है वो आपके हाथ के नीचे मौजूद है और उसके अंदर ज्यादा मूवमेंट भी नहीं हो रही होती। हाइपोटेंशन हो जाती है ऑब्वियसली क्योंकि ब्लड लॉस होना शुरू हो गया, ब्लड लॉस हो चुका है तो उसकी वजह से ब्लड का अमाउंट कम हो जाने के नतीजे में प्रेशर गिर जाता है। जब ब्लड प्रेशर गिरता है तो ऑब्वियसली किडनी को जो है वो ब्लीडिंग मतलब किडनी के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है और उस ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के नतीजे में यूरिन कम बनता है। जब यूरिन कम बनता है तो एक्सक्रीट भी कम होता है, यानी ओलिगूरिया शुरू हो जाता है। फीचर्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉजेज, अब उसके अलावा अगर हाथ कटा हुआ है या गोली लगी है तो उससे रिलेटेड पेन होना, तकलीफ होना, बेहोशी का तारी होना, इस तरह के सिम्टम्स एडिशनल होते हैं जो कि फिर वो एडअप होते चले जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वाई दैट हेमरेज हैज टेकन प्लेस। ठीक है जी, डिग्री ऑफ हेमरेज के हवाले से बात करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ डिग्री हेमरेजेस होते हैं, ब्लड लॉस लेस देन 15%, ज्यादा खतरनाक नहीं होता, 15-30% भी गुजारा हो जाता है, एक दो ब्लड यूनिट की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, इवन इतनी भी जरूरत नहीं होती है, आप अगर तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर दें तो दैट इज मोर देन इनफ। बट 30-40% में जो है वो फ्लूइड प्लस ब्लड रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है और एक ही वक्त में अगर मोर देन 40% जो है वो ब्लड लॉस हो चुका है बॉडी से तो दैट अल्टीमेटली लीड टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो एक वक्त में बहुत ज्यादा ब्लड का निकल जाना और उसकी रिप्लेसमेंट ना होना ये बहुत खतरनाक हो जाता है, रिप्लेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको जो ब्लीडिंग हो रही है बेसिकली इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, हाइपोवॉल्यूमिया है या हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस है या शॉक है, पहले तो आप आइडेंटिफाई करें रीजन क्या है ब्लीडिंग का। रिससिटेशन करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, उसको पहले फ्लूइड्स रिप्लेस करेंगे और फिर साथ में ब्लड सप्लाई करेंगे। साइट आइडेंटिफिकेशन किस जगह पे हो रहा है उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करेंगे अगर इंटरनल है, अल्ट्रासाउंड से अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा तो आप एंडोस्कोपी करेंगे, अगर जरूरत है नहीं एंडोस्कोपी से काम नहीं चल रहा है तो आप सीटी स्कैन करेंगे। फिर बहुत दफा बहुत ये होता है कि डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज DPL डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लवाज भी किया जाता है। अच्छा बेसिकली ये क्या हो रहा है कि सर्जरी है, देखा जाए तो पेट काट के फिर जो है पेरिटोनियम को जो है वो लवाज किया जाता है, यानी धो के साफ किया जाता है और फिर देखने की कोशिश की जाती है कि ब्लीडिंग कहाँ पे हुई है। उसके अलावा बहुत सारे ब्लड टूल्स हैं, आप जो है आप जो है आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं वो बता देते हैं, RBC काउंट बता देता है कितनी ब्लीडिंग हुई है और कितना ब्लड रहता है और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है या नहीं है। हीमोग्लोबिन लेस देन 9 in males and less than 7 in females is basically leading to life threatening situations. Chronic bleeding hai to less than 3% hemoglobin pe bhi patient survive kar raha hota hai agar bahut over the period of time anemia hua hai, lekin agar bleeding hui hai usse pehle normal the to less than 7 ke upar jo hai wo life threatening situation ban jati hai।
ब्लीडिंग को कंट्रोल करना जरूरी है, सर्जरी करेंगे, एंडोस्कोपिक कंट्रोल कर सकते हैं या फिर थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन करेंगे, यानी कोई ऐसी ड्रग्स या वैसे सब्सटेंसेस आईवी के थ्रू दिए जाएंगे ताकि पेशेंट के जो एरिया जहां पे ब्लीडिंग हो रही है वहां से ब्लीडिंग रुक सके। अगर इंटरनल है और आपको अभी तक जगह पता नहीं चली कि कहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तो इस तरह से ब्लीडिंग को रोका जाएगा। जब आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है तो फिर आपको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट करना होता है, वट एवर द रीजन इज, उस रीजन को पकड़ना है और उस रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। लाइक अगर गन शॉट है तो ऑब्वियसली आपको गन शॉट के हवाले से ट्रीटमेंट करना होगा, स्टैब वुंड है तो उसके हवाले से सर्जरी करके जो भी करना है वो देखना होगा। सेप्सिस कंट्रोल बहुत जरूरी है, किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए, ब्लीडिंग होने के नतीजे में सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पेशेंट को कंटिन्यूस एंटीबायोटिक कवर पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर प्रिवेंट करना है कोगुलोपैथी को, तो प्रोकोगुलेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, क्योंकि अगर एक जगह पे आपने ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए एम्बोलाइजेशन के लिए आपने कंपोनेंट्स डाले हैं तो ऑब्वियसली वो हर जगह पे थ्रोम्बोसिस करवा सकते हो। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको प्रोकोगुलेंट्स देने पड़ेंगे ताकि जो है वो आपकी जो है वो सर्कुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कोगुलोपैथी ना क्रिएट हो। क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट की जाती है जिसके अंदर जो है पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, डेस्मोप्रेसेंस वगैरह ट्रीटमेंट के तौर पे दी जा रही होती है। एंड पॉइंट रिससिटेशन में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन, प्रिवेंशन ऑफ एंड ऑर्गन फेलियर, और वो जब तक के वॉल्यूम मेंटेनेंस ना हो एंड ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उस चीज से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये एक जनरल मैकेनिज्म है कि किस तरह से आप ब्लीडिंग को देखेंगे। सबसे पहले ब्लीडिंग हो गई है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, देखेंगे ब्लीडिंग रुक गई या नहीं। अगर तो ब्लीडिंग रुक गई है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आप जो है देखेंगे शॉक तो नहीं हो रहा, वुंड को केयर करेंगे और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पे चले जाएंगे। अगर ब्लीडिंग रुकी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सट्रीमिटीज को ऊपर कर देंगे ताकि जो ब्लड लॉस हुआ है वो मतलब यहाँ पे कहा यह जाता है कि कम से कम 2 लीटर का जो ब्लड है वो आपकी जो लोअर लिम है उसके अंदर मौजूद होता है। तो अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है और अभी आपके पास फिलहाल ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकें या ब्लड चढ़ा सकें, तो उस टाइम पे अगर एक्सट्रीमिटीज को अबव कर दिया जाए, पैरों को हार्ट के लेवल से अबव कर दिया जाए, तो जितना एक्स्ट्रा ब्लड जो पैरों में होता है वो सर्कुलेशन में आ जाता है और वो जो है वो फिर वॉल्यूम हाइपोवॉल्यूमिया होने से पेशेंट को रोक देता है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही अगर, तो फिर आपने क्या करना है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो वापस ऑब्वियसली आप फिर उसी ट्रीटमेंट पे चले जाएंगे। ब्लीडिंग अगर नहीं रुकी है तो प्रेशर पॉइंट लोकेट करना है कि कहाँ पे प्रेशर देने के नतीजे में ब्लीडिंग रुक सकती है, वहां पे डायरेक्ट प्रेशर देंगे वुंड के ऊपर ताकि फिर ब्लीडिंग रुक सके। पेशेंट के पेन की परवाह इस वक्त नहीं की जाएगी, ब्लीडिंग रुकना ज्यादा जरूरी होता है। पेशेंट बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है, बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन उस वक्त उसका ब्लीडिंग रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो ऑब्वियसली डायरेक्टली ट्रीटमेंट पर जाएंगे, लेकिन अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई है और एक्सट्रीमिटीज से हो रही है और फिर भी स्टॉप नहीं हो रही है तो फिर आप टॉनिक ही बांध देते हैं। टॉनिक ही क्या है, ये प्लास्टिक की एक ट्यूब होती है, उसको बांध दिया जाता है जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है उससे अबव बांध दिया जाएगा ताकि मजीद ब्लड जो है वो लॉस ना हो सके और जो बाकी जो जनरल सर्कुलेशन है। अच्छा, ये इतना फायदेमंद ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि टॉनिक ही होने के चक्कर में होता यह है कि आपके टिश्यूज दब जाते हैं और काफी जो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफी सारी आ जाती हैं, तो उन तमाम चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आप टॉनिक ही जो है वो उसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखें। टॉनिक ही बेसिकली, अगर आपने याद हो आपको पॉइजनिंग अगर कहीं पे हुई है, सांप ने काटा है, बिच्छू ने काटा है, तो उधर भी हम टॉनिक ही वही का मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जहर जो है वो सर्कुलेशन में, जनरल सर्कुलेशन में ना जाए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हम जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए लास्ट ऑप्शन के तौर पर टॉनिक ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर वो है हो गया है, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, तो फिर आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। टॉनिक ही यूजुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, लेकिन इस तमाम कंडीशन तक ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइज हो चुका होगा पेशेंट, तो फिर उसको देख लिया जाएगा, लेकिन अगर इस टाइम तक भी कुछ नहीं हुआ तो फिर पेशेंट की लाइफ जो है वो खासी खतरनाक सिचुएशन में चली जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी हेमरेज, होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज भी प्रॉब्लम करे तो जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।